नमस्कार दर्शकों, मैं अनुष्मिता और आप देख रहे हैं द बोथ साइड्स न्यूज। आज हम बात करेंगे कि कौन सी आहार ग्रहण करने से कोविड-19 वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स को कम और वैक्सीनेशन के प्रभाव को मैक्सिमम कर सकते हैं। अभी के समय पर कई लोग अपने स्लॉट बुक करने और जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग टीके लगाने के बाद होने वाले दुष्प्रभावों जैसे सर दर्द, हल्का बुखार, शरीर में दर्द, कमजोरी और थकान के बारे में चिंतित हैं। श्वेता गुप्ता, जो सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट और डायटिशियन के रूप से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण आवश्यक है, इसलिए किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया, डरने के बजाय साइड इफेक्ट को कम करने और कोविड-19 वैक्सीन के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए अपने आहार में थोड़ा बदलाव करें। वैक्सीन के बाद तेजी से ठीक होने और कुछ ही समय में सामान्य महसूस करने के लिए उन्होंने आहार का एक लिस्ट दिया। पहला है साबुत अनाज से बने खाद्य पदार्थ। साबुत अनाज का सेवन आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और इसके परिणाम स्वरूप बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है। फाइबर और पॉलीफिनॉल से उच्च साबुत अनाज एंटीऑक्सीडेंट और विरोधी भड़काव लाभ प्रदान करते हैं, जो पुरानी सूजन को कम करने में मदद करते हैं। दूसरा है हाइड्रेटिंग फूड्स। पानी पीने और हाइड्रेटिंग खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बाहों में दर्द, शरीर के दर्द को कम करने, शरीर के आदर्श तापमान को बनाए रखने और चिंता को कम करने में मदद मिल सकती है। तीसरा है कच्ची हल्दी। चमत्कारी मसाले के रूप में जानी जाने वाली हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो आंत में स्वास्थ्य बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इसके अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने और वैक्सीन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आप एक गिलास गर्म हल्दी वाला दूध या हल्दी की चाय पी सकते हैं। चौथी है हरी सब्जियाँ। सब्जियाँ विटामिन ए, सी और के, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरी होती है, जो प्रतिरक्षा बनाने में मदद करती है। आप सलाद में कच्ची सब्जियां खा सकते हैं या फिर सूप में शामिल करके भी ले सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।